गर्मी में बहुत दिनों के बाद आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है और हल्की बारिश हो रही है। तो आज हमारे यहाँ डिनर में लिट्टी बन रही है। सत्तू की लिट्टी बिहारियों की सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट डिश होती है। सत्तू की लिट्टी, चोखा एंड चटनी, और साथ में आप सलाद भी ले सकते हैं, अचार भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से लिट्टी बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम बहुत थोड़े से लोग हैं तो थोड़ी सी लिट्टी है और जल्दी बन रही है। खाने का दिल अभी से हो रहा है, तो मेरे साथ साथ आप भी चलिए मेरे इस ब्लॉग में लिट्टी खाने के लिए। चलो लिट्टी टाइम, घूमी घूमी। इतनी रात में घूमी जाएंगे हम? बारिश हो रही है, क्या हो रही है? नोज क्लीन करो। अरे भगवान, हल्की बारिश हो रही है अभी भी, पर हमें बस लिट्टी खाने का बहाना चाहिए होता है हम बिहारियों को। बारिश हल्की हो या तेज, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, बस हमें खाना है तो खाना है। तो हल्की बारिश अच्छा बहाना था लिट्टी खाने के लिए। और ये हम इधर से इधर आ जाएंगे। हाँ, क्यों फ़ोन दे दूँ मैं तुम्हें? तुमने कौन सा तीर मारा है कि मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँ? इसे सब कुछ चाहिए होता है फट से। शिवाय नाना जी से अपना फोन, ये कार छुपा के रखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये गुस्से में कार फेंक दिया था और नाना जी फोन बोल रहे हैं, कार छुपा दिए थे, इसलिए अब शिवाय नाना जी के पास भी नहीं जा रहा है और कार छुपा छुपा कर रख रहा है। तुम आ जाओ बेटा, वैसे रगड़ो मत, आ जाओ। अगर खुजली हो रही है तो आ, हम खुजली कर देंगे। और ये लिट्टी बन रही है, तो सत्तू की लिट्टी, आलू बैंगन और टमाटर का चोखा, चटनी, सलाद, अचार, दही, जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं आइटम। तो ये बहुत ही खाने में शानदार लगता है। आप झारखंड, बिहार या यूपी में कहीं भी जाएंगे तो आपको लिट्टी आसानी से मिल जाएगी, हर चौक चौराहे पर, ठेले पर, कहीं भी। और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही यम्मी भी होता है। तो आज हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। मैंने कहा ना, लिट्टी खाने के लिए बस बहाना चाहिए। बारिश बहुत हल्की है, ढंग से आंगन भी नहीं भीग पाया है आप देखिए, लेकिन फिर भी हम लिट्टी खाने वाले हैं। जब अच्छी चीज़ बनती है तो हमें भूख जल्दी लग जाती है और आधा घंटा भी बहुत बड़ा लगता है। मैंने इस प्रेगनेंसी में एक बार भी लिट्टी नहीं खाई थी, गोईठे वाली। ये गोईठे पे बनाई जाती है तब ज़्यादा यम्मी लगती है। ऐसे आप इसे छान कर भी बना सकते हैं, सेक कर भी बना सकते हैं, लेकिन जो गोईठे की लिट्टी होती है उसकी बात सबसे अलग होती है, वो सबसे ज़्यादा यम्मी लगती है। ये सब खाना बनने से तो माला को आराम है, कुकिंग करना ही नहीं है उसको, चल देगी। माला हमारी कुक का नाम है, तो जब ये सब खाना बनता है तो वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो बंगाली है और उसे ये सब बनाना नहीं आता और वो ये सब बनाएगी भी नहीं। क्या आवाज की पप्पू गुड़ूंग करके? क्या शिवाय? हाँ, नाना जी से मांगो। नाना जी, चुप, कैसे ले पाओगे शिवाय? कोशिश करो। ग्रीन वाला
नीडू। अरे शिवा मैंगो मैंगो आज अब डन करेंगे। अरे क्या दे दे मैंगो मैंगो चाहिए तुम्हें मैंगो हाँ दे दे ठीक है जाओ ले लो मैंगो। ओ नो कितना चालाक है ये पप्पा हमको चीटिंग किया पकड़ो 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 भाग शिवाय भाग पकड़ पकड़ना अरे रोते नहीं है पकड़ दे चलो पकड़ो ना ना जी इधर से आजा पकड़ पकड़ना हाँ पकड़ 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 ओ पकड़ पकड़ अच्छा गुस्सा नहीं हो आओ आओ मैं बोलती हूँ नाना जी को आ जाओ नाना जी हाँ प्लीज थोड़ा सा फोन दे दो पापा दे दीजिए अब हो गया अब शिवाय का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया शिवाय ने बड़ी मेहनत करी है भाई फ़ोन के लिए क्या मांग रहे हैं पापा दे दीजिए अब और मैं बच्चों कब से दौड़ रहा है मिल गई थैंक यू बोलो नाना जी को जा बस कहाँ तक पहुँचे ए बाबा सीरियल नहीं छूटना चाहिए सीरियल का नाम क्या है दारिया खैर मम्मी सीरियल देख के भी बना ले हमें तो खाने से मतलब है लिट्टी रेडी है लिट्टी दही चोखा आम कटहल का अचार और शिवाय को क्या खानी है क्या चाहिए मैंगो मैंगो शिवाय का भी फेवरेट फ्रूट है जैसे कि मैंगो मेरा भी फेवरेट फ्रूट है तो शिवाय का फेवरेट है और अब बिना देर किए खाने जा रहे हैं हम अपना फेवरेट खाना तो आप भी बरसात हो तो ज़रूर बनाएं ज़रूर खाएं और इंजॉय करें दे रहे हैं।